शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज सोमवार के दिन, हफ्ते के पहले कारोबार के दिन, कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी के साथ ट्रेड दर्ज किया जा रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और हम कमोडिटी बाजार के अपडेट में शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि सोना आज इंटरनेशनल मार्केट में जो ट्रेड करता नज़र आ रहा है वो आज लगभग $1854 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही हरे निशान पर निकले हैं। एक बार फिर से गोल्ड के अंदर शानदार बढ़त दर्ज की जा रही है, हफ्ते के पहले कारोबार दिन $1850 के ऊपर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। चांदी की बात करें तो चांदी भी $23.6 पर ट्रेड करती नज़र आ रही है, चांदी में 1% की बढ़त देखने को मिल रही है। देख रहे हैं कि आज सोना और चांदी दोनों ही शानदार तेजी के साथ, शानदार बढ़त के साथ कारोबार करते नज़र आ रहे हैं, ट्रेड करते नज़र आ रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर में देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले जो प्राइसेज हैं वो थोड़े कुछ सुधरते नज़र आए हैं। दरअसल ये जो अमेरिका में जो महंगाई का डेटा आया था वो काफ़ी ज़्यादा तेज देखने को मिला था, कि गोल्ड और सिल्वर का जो इन्फ्लेशन डेटा आया था वो काफ़ी तेज था। फिर डॉलर में मंदा तेज, कभी मंदी तो कभी तेजी देखने को मिली, उसका भी असर देखने को मिला। और ये जो US यूक्रेन विवाद जो चल रहा है उसकी वजह से जो जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हुई है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, उसका असर भी कहीं ना कहीं सोने चांदी की कीमतों पर पड़ता नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सोने चांदी में ऊपरी स्तर से बिकवाली करनी चाहिए या फिर यहाँ पर खरीदारी में रहना चाहिए, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। रूपा जी, बात करें यहाँ पे अगर गोल्ड और सिल्वर की, तो गोल्ड में देख रहे हैं कि गोल्ड $1854 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर $23.6 पर, सिल्वर $24 की ओर जाने के लिए तैयार है और गोल्ड $1850 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर मुनाफा वसूल करना सही रहेगा, क्या यहाँ पर इन लेवल्स पर खरीदारी में रहें या फिर मुनाफा वसूल कर लें, क्या यहाँ पे तेजी सस्टेन हो पाएगी? देखिए, अभी तेजी फिलहाल सस्टेन होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेरिका में महंगाई दर पिछले 4 दशकों के ऊपरी स्तरों पर पहुंच चुकी है, जिसके चलते दुनिया भर में सोने के कीमतों में उछाल दर्ज किया जा रहा है। और अभी देखा जाए तो US फेड की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की खबरें अभी देखने को मिल रही है, जिसके चलते अभी फिलहाल जो है तेजी की गुंजाइश बनते हुए नजर आ रही है। और इसके चलते एक्सपेक्टेड है कि सोना एक बार $1860 के बाद $1880 तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बहरहाल सोने के अंदर खरीदारी की तरफ ही रहना चाहिए। सोना और चांदी दोनों ही तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब यहां से 50,000 का स्तर फिलहाल देखने को मिल सकता है। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर अब कच्चे तेल की, तो देख रहे हैं WTI $94 पर है 1.5% की तेजी के साथ, ब्रांड क्रूड ऑयल $95 पर है 1.25% की तेजी के साथ। रूपा जी देख रहे हैं कि कच्चा तेल एकदम से उछल चुका है, कच्चे तेल में लगातार तेजी हम पहले भी देख चुके थे, अब भी देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये जो यूक्रेन और रशिया के बीच जो विवाद चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, इनके मद्देनजर कच्चे तेल की कीमतें आगे अभी और कितनी बढ़ सकती हैं? देखिए, कच्चे तेल की कीमतों के अंदर आगे भी तेजी का ही रुझान बना रह सकता है। देखिए, हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि कच्चा तेल $90 के ऊपर सस्टेन करता है तो $95 तक की तेजी दिखाता हुआ नजर आ सकता है, और अब फिलहाल देखने को भी मिला है। और घरेलू बाजारों में अच्छी खासी रैली आई है, जिसके चलते कच्चा तेल $7100 के पार जा चुका है। तो अभी फिलहाल यूक्रेन के जो के बीच जो टेंशन चल रहा है यूस और रूस के बीच में, तो अभी इसके ऊपर इंपैक्ट जो है कच्चे तेल के ऊपर पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते कच्चे तेल की कीमतों को निचले स्तरों पर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। और अगर स्थितियां और ज्यादा खराब होती हैं तो कच्चे तेल की कीमतों में और ज्यादा तेजी आते हुए हम देख सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि WTI जो है वो अपसाइड में $100 के आसपास भी जाता हुआ दिखाई दे,
और ब्रेंट भी $100 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे, जिस तरीके का सिनेरियो बनता नजर आ रहा है वो कच्चे तेल को काफी सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसे में कच्चे तेल में खरीदारी जो है में रहना चाहिए, लेकिन इन स्तरों पर खरीदारी रिस्की भी हो सकती है। ऑलरेडी मार्केट काफी ऊपर जा चुका है और आज खुलते ही बाजारों में 3% की तेजी देखने को मिल रही है, तो आज इंटरडे के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो हो सकता है कि आज उसमें सर्किट देखने को मिले और कच्चा तेल जो है ऊपर में एक बार 7200 तक अपसाइड मोमेंटम में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी ये सुरभा जी, बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स का बाजार भी देख रहे हैं आज शानदार तेजी के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है। MCX निकल एक बार फिर से 1800 के ऊपर निकला है, लगभग 2.25% की तेजी है। MCX जिंक निकल लेड भी तेजी की ओर है। बात करें कॉपर की, तो कॉपर भी इंटरनेशनल मार्केट में 1.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है 4.49 पर। रूपा जी, बेस मेटल्स में जो उछाल आया है इस पर आपकी क्या राय रहेगी? आज हफ्ते के पहले कारोबार दिन जो बेस मेटल्स में तेजी आई है, तो क्या यहाँ पर मुनाफा वसूल करें या फिर खरीदारी में ही रहें? देखिए फिलहाल तो यहाँ पर प्रॉफिट भी बुक किया जा सकता है और फ्रेश बाइंग को थोड़ा अवॉइड करें, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। जैसे कि मैंने हमेशा यही बोला है कि बेस मेटल्स में आप खरीदारी करके चले, हर निचले स्तर पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखें, और आज आप देखिए कॉपर भी 768 पर हो चुका है और निकल में अच्छी तेजी आई, 1800 के पार निकल चुका है। एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, फिर करेक्शन मिले तो फिर वहां पर जो है वो बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है। अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है आज इंट्राडे में भी, मुझे लगता है कि थोड़ा पॉजिटिव ही रह सकता है मार्केट, लेकिन वहीं प्रॉफिट बुक करके एक बार एग्जिट भी ले सकते हैं। जी रूपा जी, बात करें नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस का बाजार भी देख रहे हैं कि कुछ उठता नजर आया है, आपको क्या लगता है नेचुरल गैस में आज इंट्राडे के क्या लेवल्स रह सकते हैं? देखिए नेचुरल गैस में इंट्राडे में पॉजिटिव मार्केट जो है थोड़ा बहुत जाता हुआ दिखाई दे सकता है और ऊपर में एक बार 315 से 318 की तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है और मैक्सिमम अपसाइड हम एक बार 320 तक बाजारों को जाते हुए देख सकते हैं। जी रूपा जी, टॉपिक्स के देने चाहेंगी आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन जिनमें पूरा सप्ताह अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए पहले कारोबारी दिन सोना चांदी एक अच्छे तेजी में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं और कच्चा तेल, ये तीन कमोडिटी ऐसी हैं जो आपको मुनाफा देती हुई नजर आ सकती है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।